हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हमारे चैनल हेल्प स्विच पे स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। साथियों, बहुत लोगों का कमेंट था कि आवेदन करने का फिर से एक प्रोसेस बताया जाए, जिससे कि फ्रेंड्स हम घर बैठे आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स, आप ही के सवाल पर हमने इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप भी घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से साइड ओपन हो जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो किसान पंजीकरण संख्या यदि आपने किसान रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको मिला होगा, और यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं तो दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। आप फ्रेंड जैसे ही यहाँ पंजीकरण पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पंजीकरण जाने वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पंजीकरण जाने वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप तीन प्रकार से अपना पंजीकरण संख्या खोज सकते हैं, आधार नंबर के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा और रजिस्ट्रेशन आईडी के द्वारा। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं बाद, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा और दोबारा से इस साइड पे आ जाइएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शो होता है। और यहाँ पे देखिएगा आवेदन करे का एक बटन दिया गया है, आपको आवेदन करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, एक सीएससी का और एक जनरल यूजर का। आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी पर क्लिक कीजिएगा, और यदि आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो आप जनरल यूजर पर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड जैसे ही जनरल यूजर पर क्लिक करते हैं, आवेदन भरने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप किसान पंजीकरण संख्या डाल दीजिएगा, और किसान पंजीकरण संख्या डाल देने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे किसान का सारा डाटा फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो जाता है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे किसान का प्रकार सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, किसान का प्रकार सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चयन करे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे दो ऑप्शन दे रहा है, एक रैयत किसान और एक गैर रैयत किसान। रैयत किसान जिनके पास खुद का जमीन है, जो अपने जमीन पर खेती करते हैं, रैयत किसान कहलाता है, और जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत किसान कहलाता है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे रैयत किसान को सिलेक्ट करना है। जैसे ही रैयत किसान सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका जमीन का विवरण फिलअप करना होता है। जमीन का डिटेल फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जिला का नाम सिलेक्ट करना होगा, और जिला का नाम सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जिला का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिला का नाम सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना प्रखंड का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थाना नंबर, और उसके बाद खाता नंबर, और उसके बाद खेसरा नंबर को फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, इन सभी डिटेल को आप कहाँ से फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास यदि रसीद होगा तो रसीद में वो सारा डिटेल लिखा हुआ होता है। इसके अलावा यदि आपके पास केवाला होगा तो केवाला में भी वो सारा डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरे पास फ्रेंड्स रसीद है, तो रसीद में देख लेते हैं कहाँ पे क्या डिटेल होता है। फ्रेंड्स, आप ऊपर में जो देख रहे हैं ये है आपका थाना नंबर, और यहाँ पे खाता नंबर ये है, और खेसरा नंबर यहाँ पे ये है। आप देख रहे हैं दो गो खाता नंबर है और दो गो खेसरा नंबर है। तो क्या दोनों फिलअप करना होगा? नहीं फ्रेंड्स, आपको दोनों फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक खाता नंबर फिलअप कीजिएगा और एक खेसरा नंबर फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 213 हमारा थाना नंबर है, और यहाँ पे 154 मेरा खाता नंबर, और 483 मेरा खेसरा नंबर है। तो चलिए इन सभी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे थाना नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम थाना नंबर 213 था, तो यहाँ पे हम 213 फिलअप कर लेते हैं। खाता नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे फिलअप करना है, तो खाता नंबर मेरा था 154, तो हम 154 फिलअप कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें खेसरा नंबर फिलअप करना है, तो खेसरा नंबर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा था 483 है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें खेसरा नंबर में 483 फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 483 फिलअप कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जमीन का रकबा फिलअप करना है डिसमिल में, तो देख लेते हैं हमारा जमीन का रसीद है वो कितना डिसमिल का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये 82 डिसमिल का जमीन का रसीद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 82 डिसमिल फिलअप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 82 डिसमिल फिलअप कर लेते हैं।
और आवेदक का हिस्सा में कितना फिलअप करना होगा। तो चूंकि एक ही किसान इस रसीद से आवेदन कर रहा है तो यहाँ पे हम 82 डिसमिल ही फिलअप करेंगे, और यदि 2-3 किसान आवेदन फिलअप कर रहा है एक ही रसीद से तो फ्रेंड्स आप उस जमीन के रसीद में 2-3 भाग करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही किसान आवेदन कर रहा है इस जमीन के रसीद से तो हम यहाँ पे पूरा हिस्सा यानी 82 डिसमिल फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए एड न्यू रो का बटन दिया गया है। यदि आपके पास एक ही रसीद है और एक ही रसीद से आवेदन कर रहे हैं तो आपको एड न्यू रो पर क्लिक नहीं करना है, और यदि आप 2 रसीद का डिटेल डालिएगा तो यहाँ पे एड न्यू रो पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने सारा डिटेल फिर से आ जाएगा। हमें एक ही रसीद को फिलअप करना है तो हम यहाँ पे एड न्यू रो पर क्लिक नहीं करेंगे। अब फ्रेंड जैसे ही नीचे आते हैं तो देखिएगा आवेदक का हिस्सा यहाँ पे 82 डिसमिल ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक बात यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यदि आपका जमीन का रकबा यदि 9 डिसमिल से कम है तो यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है यदि आपका जमीन का रकबा 9 डिसमिल से कम है तो 9 डिसमिल यदि आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा तो आपका आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसके लिए आपको जो फिलअप करना होगा वो फिलअप करना होगा 9.0, और यदि 8 डिसमिल जमीन है तो आपको फिलअप करना होगा यहाँ पे 8.0। अब फ्रेंड्स आप यहां पे समझ गए होंगे कि यदि आपका जमीन का रकबा यानी डिसमिल में 10 डिसमिल से कम है तो यहां पे जो फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स फिलअप कीजिएगा, यदि मान लीजिए आपका जमीन का रकबा है 8 डिसमिल तो यहां पे आपको फिलअप करना होगा 8.0। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा तभी आपका आवेदन सबमिट होगा, अन्यथा सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं हमने सभी चीज़ों को फिलअप कर लिया है, और नीचे आएंगे इन तीनों बटन पर टिक लगा देंगे। तो चलिए हम इन सभी बटन पर टिक लगा देते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा आप देखेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आता है। तो फ्रेंड्स हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना OTP है। तो हमारा OTP है 5608, तो यहाँ पे हमने फिलअप कर लिया और वैलिडेट एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा OTP वैलिडेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जमीन का रसीद को अपलोड करेंगे, तो जमीन का रसीद ये है तो इस रसीद को हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और जमीन का रसीद फ्रेंड्स हमारा जहाँ भी हमने कंप्यूटर में सेव करके रखे होंगे फ्रेंड्स वहाँ पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो वो जमीन का रसीद यहाँ पे अपलोड हो जाता है। फ्रेंड्स जमीन का रसीद का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 150 KB से कम में होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आपका आवेदन सक्सेसफुली हो चुका है और कृषि समन्वयक के पास सत्यापन के लिए भेजा जा रहा है। आपको क्या करना है ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस रिसीविंग को प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने किसान को दे सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाता है लास्ट मैसेज आपके मोबाइल पर भी सेंड किया जाता है, और फ्रेंड्स आप जब आवेदन कर देते हैं उसके बाद सभी रिसीविंग को और इस जमीन के रसीद को आप अपने किसान सलाहकार के पास ले जाके जमा कर दीजिएगा, तभी आपका वेरिफिकेशन पूरा होगा और फ्रेंड्स आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या शिकायत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वरना मिलते हैं।